खूनी हाईवे ने फिर ली एक और जान। जी हाँ, मौत का हाईवे साबित हो रहे कालपी के निर्माणाधीन अधूरे हाईवे पर आज फिर एक और बलि चढ़ गई। दरअसल उरई की ओर से आ रही रोडवेज बस ने फुलपावर चौराहे के पास डॉक्टर अयूब के हॉस्पिटल के सामने सड़क पार कर रही 65 वर्षीय वृद्ध महिला को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे रामगंज निवासी महिला लीलावती पत्नी प्रयाग नारायण वाजपेयी फुलपावर चौराहे पर स्थित डॉक्टर अयूब के हॉस्पिटल से दवा लेकर सड़क क्रॉस करने लगी। उसी समय झांसी से आ रही लीडर रोड डिपो की बस संख्या यूपी 70GT8072 के ड्राइवर ने व्यस्त रोड पर लापरवाही से बस चलाते हुए वृद्ध महिला को रौंद दिया। वहीं मौके पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। बस चालक व कंडक्टर बस को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को अपने कब्जे में ले लिया और महिला का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हुआ ये देखिए, आप लोग ये गाड़ियां यहाँ से नीचे को आती हैं, फिर यहाँ से जाती है इसको। नहीं, अभी इसको हम सही करवा ले रहे हैं, पैसे लगे हैं, मशीनरी आई है, अभी मैं सही करवा देता हूँ। अब जो हादसे तो हो गए, अब क्या करें।